जैसे वो होनसांग फाइनांग दो विद्यार्थी आए थे बहुत पहले यहाँ हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में, केवल एक विश्वविद्यालय उधर में था, अब तो जगह जगह विश्वविद्यालय खुल गए, तो वहाँ पढ़ने के लिए दूसरे देश से बच्चे आते थे। अब तो वहाँ खंडहर हो गया, लेकिन खंडहर को देखोगे ओ मोटी मोटी दीवारें, बहुत मतलब ये कि बहुत अच्छा मंजूर बना था, लेकिन इनकी ज़िंदगी होती है 100 साल 200 साल के बाद तो मकान गिरना। और वहाँ से अब विश्वविद्यालय जब हट गया तो उसकी मरम्मत और वो सब भी नहीं हुआ, तो अब आप ये समझो कि वो दोनों विद्यार्थी जब आए तो उस समय चंद्रगुप्त का समय था, राजा का बादशाह का था, तो बहुत अच्छी व्यवस्था, सब खुशहाल और सबको रोटी रोजी मिल रही है और आपस में बड़ा प्रेम है, सेवा भाव लोगों में है, और मतलब ये है कि उनको बरकत भी मिलती है। तो बोले भाई ये व्यवस्था किसने बनाई, तो कहा ये व्यवस्था जो है वो बादशाह की व्यवस्था है। तो चंद्रगुप्त से वो दोनों विद्यार्थी मिले और बोले आपके यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं बहुत खुश हूँ इस व्यवस्था से, और हमको भी अपने देश के लिए यानी इसी तरह से सीख लेनी है, तो आप हमको कुछ बताइए कि हम भी इसी तरह की व्यवस्था में अपने देश के लिए तो हाथ बटाऊँ, क्योंकि देशभक्ति बहुत बड़ी भक्ति होती है, देश जिस देश में पैदा होता है आदमी उसी के लिए अब आजकल देखो गद्दारी करने लग गया, मन उधर उसका चला गया, मान सम्मान के पीछे चला गया, भोग के समय इंद्रियों के चला गया, इसलिए देशभक्ति खत्म हो गई। देशभक्ति में देखो लोगों ने कितनी कुर्बानी दिया, भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र हरी फांसी के फंदे को कबूल कर लिए, तो देशभक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो देशभक्त था, कहा ना पढ़िए काहू विद्या रहिए काहू देश, और भाषा विद्या और देशभक्ति नहीं भूलना चाहिए। तो अब आप समझ लो कि उसने सोचा कि इसी तरह की व्यवस्था अपने देश में भी बनाने में हम मदद करेंगे तो हमको सीख लें यहाँ पर, तो चंद्रगुप्त से कहा। तो उन्होंने कहा कि देखो यह व्यवस्था बनाने वाला और चलाने वाला हमारा है मंत्री। तो कहे आपके मंत्री कौन है, बोले वो चाणक्य। तो बोले वो कहाँ मिलेंगे, तो बोले कि वो उधर रहते हैं, आप जाओ और पता कर लो। तो पता दिया राजा ने, अब वो वहाँ पता करते करते गया तो कहा कि चाणक्य कहाँ मिलेंगे, बोले वो नदी के किनारे रहते हैं झोपड़ी बना करके। शाम हो गई थी तो जब ये दोनों विद्यार्थी पहुँचे तो उनके रूप को देखा, दिव्य रूप था, तो देखा है तो प्रणाम किया, अब उन्होंने बैठा दिया प्रेम से। भारत की यह संस्कृति रही आओ बैठो पियो पानी, पानी पिलाया सबसे पहले, और उसके बाद में इन्होंने कहा हम आपसे कुछ सीखने के लिए आए, कुछ समझने जानने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कहा ये बताओ कि आप जो बातचीत करोगे सीखोगे उससे हमारे देश का फायदा होगा या तुम्हारे देश का होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपने देश के लिए आपसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो वो जिस दीपक की रोशनी से लिख रहे थे उसको उन्होंने बुझा दिया, और उसी के बगल में दूसरा दीपक रखा हुआ था उसको जला दिया। तो बातें बड़ी देर तक होती रहीं और दोनों विद्यार्थी बहुत प्रभावित हो गए। आखिर में उनके मन में आखिर तक यह कौतूहल बना रहा कि आखिर उन्होंने पहला दीपक क्यों बुझाया, दूसरा क्यों जलाया, तो क्या इसमें कोई जादू किया कि जिससे बातों से हमको प्रभावित कर ले गए। तो आखिर में उन्होंने पूछ ही लिया कि आपने पहला दीपक क्यों बुझाया और दूसरा क्यों जलाया। तो उस समय पर झूठ लोग नहीं बोलते थे कि तब उन्होंने कहा किसने, चाणक्य ने, कि देखो जब तुम मेरे पास आए थे तो मेरे मेहमान थे, और उस समय पर मैं राजकाज का काम कर रहा था, तो राजकोष का दीपक जलाया हुआ था तेल का, राजकोष का सरकारी तेल का अन्य दीपक मैं जलाया हुआ था, और जब आपने कहा कि मेरे देश का फायदा होगा और मैं आपसे सीखने के लिए आया हूँ, तब मैंने आपको मेहमान समझ करके अपनी मेहनत की कमाई का जो तेल था उसको जलाना मैंने मुनासिब समझा।